क्रेताओं में हड़कंप मच गया। और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बताने की, आज पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया की घर वापसी होने जा रही है। आज सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सतीश पुनिया, प्रेम सिंह बाजोर, विजय बंसेला भी पहुंचे बीजेपी कार्यालय में। यहां पर तमाम तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं सुभाष मेहरिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहरिया के समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, 11 बजे का वक्त रखा गया था कि जब सुभाष मेहरिया आज बीजेपी का दामन थामेंगे और 5 साल बाद एक बार फिर उनकी वापसी है, इस खबर के मायने समझाइए। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी एक सच है कि कई सालों से वो जीत का स्वाद चखने से लगातार बेताब नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब 12:15 बजे, पहले 11 बजे का समय था, लेकिन अब 12:15 बजे सुभाष मेहरिया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुभाष मेहरिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सतीश पुनिया यहां पर पहुंच चुके हैं, विजय बैसला यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रेम सिंह बाजोर यहां पर मौजूद हैं और कुछ देर में जो है वो यहां पर ये ज्वाइनिंग जो है वो शुरू होगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें हैं यहां पर। सुभाष मेहरिया के साथ सतीश पुनिया जी हैं, विजय बैसला जी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मेहरिया साहब की घर वापसी हो रही है, किस प्रकार से देखते हैं, इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? परिवार के साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है तो मजबूती मिलती ही मिलती है, और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में मंत्री के नाते अच्छा अनुभव है, खासतौर पर शेखावटी क्षेत्र में। राजनीतिक तौर पर जो आपकी पैठ और जो पहचान है उसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। सुभाष मेहरिया जी हैं, कैसा लग रहा है घर वापसी करके? देखो मित्र, घर वापसी करके जैसे घर में आने के बाद अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लग रहा है। समय लग गया, 5 साल का समय लग गया वापस लौटने में, तो अब किस प्रकार की भूमिका आप देखना चाहेंगे पार्टी के अंदर? आपको ज्वाइनिंग के बाद सारी बातों का खुलासा करेंगे। नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अब लक्ष्मणगढ़ से आप देखिए, पार्टी कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो जिम्मा देगी उसका निर्वहन होगा, उसका निर्वहन होगा। देखिए ये बात कहना है सुभाष मेहरिया जी का, विजय बैसला जी भी हैं। बैसला जी, किस प्रकार से देखते हैं मेहरिया साहब अब घर आ गए? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द ओल्ड पीपल बैक इन द फोल्ड। घर वापसी तो बाद की बात है, घर से बाहर ही कौन गया था। विचार जब एक साथ रहते हैं तो सब एक साथ ही रहते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इनिंग्स। तो देखिए आपने सुना, रामचरण बोरा जी भी यहाँ मौजूद है। बोरा साहब, मेहरिया जी घर आ गए हैं, अब सीकर इलाके में किस प्रकार से पार्टी मजबूत होगी? देखिए मेहरिया जी 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में 3 बार सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं समझता हूँ कि शेखावटी की राजनीति में मेहरिया जी का अपना एक अपना कद है, और उस उनके आने के बाद में और शेखावटी को मजबूती मिलेगी, और आने वाले 2023 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बनने में एक सार्थक सहयोग उपयोग साबित होगा, सार्थक सहयोग जो है वो साबित होगा, ये कहना है तमाम बीजेपी के नेताओं का। और कुछ देर में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं राजेंद्र राठौर साहब पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राठौर साहब, आपने बताया जा रहा है कि आपकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेहरिया साहब को घर वापसी में। नहीं, मेरी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाते कह सकते हो कि वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं, पर इस प्रकार के कदावर नेता जब फैसला करते हैं तो जिस स्तर पर फैसला होना चाहिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी ने विचार किया, उसके बाद हमारा केंद्र नेतृत्व है उसने विचार किया, तब इस प्रकार के फैसले होते हैं। और मैं समझता हूं कि शेखावाटी में जब दमदार नेता की वापसी होती है तो पार्टी को मजबूती मिलती है। आने वाले समय में और भी धमाके होंगे निश्चित तौर पर। अब कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज के अंदर समझदार लोग पहले किनारा करते हैं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता क्या है, राजेंद्र राठौर साहब का साफ तौर पर कहना है। और आप यहाँ पर तमाम नेता जो है वो पहुँच रहे हैं और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ पर सुभाष
यहाँ पर जानना चाहेंगे सौरभ की सुभाषी से महरिया जो है वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो उनके सहयोगी समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि उनके नाम जो है वो साफ नहीं हुए, लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस हॉल में है, जहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो है वो शेखावाटी इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से क्योंकि सीकर में उनका काफी दबदबा जो है वो रहा है, तीन बार सांसद जो है वो रह चुके हैं, तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पर शेखावाटी का एक दिग्गज जाट चेहरा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, कितनी मजबूती बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर सुभाष, क्या समझ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से बात कर लेते हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, कहाँ से आए हुए हैं और महरिया जी के बीजेपी में आने से कितनी मजबूती मिलेगी? मैं शिवदयाल पालीवाल, पूर्व प्रधान खंडेला, जिला सीकर। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सुभाष जी महरिया का एक अलग से करेज है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें पहले आती थी, जैसे हमारे सीकर की ले लो, सीकर में सारा बीजेपी का काम ही साफ हो गया, आठों सीट कांग्रेस की झोली में चले गई। महरिया साहब अगर आते हैं, मैं तो सीकर की बात करूंगा, तो आठों की आठों सीट बीजेपी की आएगी। ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो, किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज है हो गया है, तो क्या के बड़े नेता है महरिया जी, किसानों के छोटे नेता नहीं है, महरिया जी का बड़ा कद है, किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के जो बड़े बड़े नेता थे चौधरी हरि सिंह। ठीक है सौरभ, आपके पास हम आएंगे जैसे सुभाष महरिया पार्टी ज्वाइन करते हैं, 5 साल बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो रही है और शेखावाटी का एक दिग्गज जाट चेहरा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को मजबूती मिलने की उम्मीद यहां पर खुद तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे।